हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपके सामने मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा निकाली गई जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी में जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षक तथा लेखापाल के पदों की भर्ती परीक्षा के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, आप जानते ही हैं प्रत्येक ज़िले में DEGM डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस मैनेजर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर AEGM तथा कई महत्वपूर्ण पद होते हैं जो MapIT के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए भर्ती प्रक्रिया 1 सितंबर 2018 से प्रारंभ होकर 15 सितंबर 2018 तक चलेगी। आप अगर संशोधन करना चाहते हैं तो 20 सितंबर तक संशोधन कर सकेंगे। यह परीक्षा 13 और 14 अक्टूबर 2018 को दिन शनिवार या रविवार में होगी। इसके लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए ₹500 प्रति प्रश्न पत्र। यदि आप एक से अधिक प्रश्न पत्र अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और SC ST OBC केवल MP के लिए ₹250 होंगे। तो दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र DEGM पद के लिए 13 तारीख को होगा। 7 बजे से 8 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी है और 8:50 से 9 बजे तक आप समय में निर्देश पढ़ सकते हैं। 9 से 10:30 तक 1.5 घंटे का यह प्रश्न पत्र होगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा लीड ट्रेनर के पद के लिए, जो अगर लीड ट्रेनर के लिए भी आवेदन करते हैं उनके लिए भी 2 बजे से 4 बजे तक होगा। दिन रविवार को तृतीय प्रश्न पत्र होगा अगर आप AEGM के लिए आवेदन करते हैं 9 से 10:30, ट्रेनर पद के लिए करते हैं और अकाउंटेंट के लिए करते हैं तो 2 से 4 बजे तक का ये पेपर होगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। सबसे ज़्यादा पद सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधकों के लिए निकाले गए हैं। इसकी रूल बुक व्यापम की वेबसाइट पर vyapam.nic.in, PEB.MP.GOV.in पर अपलोड कर दिया गया है। ये फॉर्म कल से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक भरे जाएंगे। आइए देखते हैं क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या रहेगा सिलेबस और कितनी मिलेगी सैलरी और कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। तो आपको हम बता दें सबसे पहले कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके लिए मानदेय क्या होगा। तो दोस्तों, जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक जिला स्तर पर इनकी प्रतिस्थापना होती है, जिन्हें ₹25,000 प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा। लीड ट्रेनर के लिए भी ₹25,000 प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा, जिनकी पोस्टिंग जिला स्तर पर की जाएगी। ट्रेनर के लिए भी ₹20,000 प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा, जिनकी भी पोस्टिंग जिला स्तर पर होगी। जो AEGM होंगे, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक, उनकी विकास खंड या तहसील स्तर पर होगी, जिन्हें ₹15,000 का वेतन दिया जाएगा। अकाउंटेंट की पोस्टिंग जिला स्तर पर होगी, जिसके लिए केवल ₹98,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, समस्त पदस्थापनाएँ जो हैं संबंधित जिले की जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा की जाएंगी। प्रत्येक जिले में जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी बनाई गई है, जिसमें कई लोग अभी भी कार्यरत हैं। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या न्यूनतम अर्हताएँ होनी चाहिए। अगर आप जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास MCA होना चाहिए, या तो BE कंप्यूटर साइंस या BE IT, BTech कंप्यूटर साइंस, BTech IT, MSc IT में है, MSc कंप्यूटर साइंस में है, या MBA सिस्टम्स में है और MBA IT में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको न्यूनतम 2 वर्ष का उपयुक्त अनुभव होना चाहिए। सहायक ई गवर्नेंस के लिए स्नातक डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स अथवा NIE LIT और DOE ACC का A-लेवल का सर्टिफिकेट अथवा BSc कंप्यूटर साइंस, BSc IT, BCA, MCA, BE कंप्यूटर साइंस, BE IT, BTech कंप्यूटर साइंस, BTech IT, MSc IT, MSc कंप्यूटर साइंस, MBA सिस्टम्स, MBA IT के साथ साथ 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। वरिष्ठ प्रशिक्षक के लिए BE, BTech, MCA, MSc, MBA कर सकते हैं आवेदन, और इसके लिए भी आपके पास न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षक के लिए भी BE, BTech, BSc वाले आवेदन कर सकते हैं। CSIT के लिए, इसमें भी आपके पास कुछ न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। समस्त गाइडलाइन व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी हैं, आप वहाँ भी जाके इसे डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूंगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लेखापाल के लिए देखिए, BCom के साथ PGDCA BCom उत्तीर्ण किया हो और साथ में 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे आपको उत्तरदायित्व का विवरण दिया गया है, उत्तरदायित्व का विवरण भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे DEGM के लिए दिया हुआ है, AEGM के लिए दिया हुआ है, वरिष्ठ प्रशिक्षक के लिए, प्रशिक्षक के लिए, लेखापाल के लिए दिया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण अभी नहीं है, क्योंकि अभी आपको पहले सिलेक्शन लेना है। तो देखिए, आगे हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो भी व्यक्ति
जिला ई गवर्नेंस समिति में पहले से ही कार्यरत हैं जैसे प्रबंधक के वरिष्ठ प्रशिक्षक, वो भी आवेदन अगर करना चाहते हैं तो उन्हें अतिरिक्त फायदा क्या होगा कि अगर वो 6 महीने से 1 माह तक 1 वर्ष के लिए कार्यरत हैं तो 4 अंक, 1 से 2 अधिक के लिए हैं तो 8 अंक और 2 से अधिक भी काम कर रहे हैं तो 10 अंक उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये आयु सीमा है जो व्यापम द्वारा निर्धारित लगभग सभी एग्जाम्स में एक ही जैसी होती है। पुरुष अनारक्षित वर्ग के लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 40 और ये मध्य प्रदेश के बाहर के लिए 25 होगी। ये इस प्रकार आप टेबल जो देख रहे हैं इस अनुसार आपकी आयु सीमा निर्धारित है। मैं आपको बता देना चाहूँगा सबसे पहले कि परीक्षा कैसी होगी और क्या क्या पूछा जाएगा। तो DEGM के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित किया गया है जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 40, सामान्य जागरूकता के 20, तर्क शक्ति के 20 और प्रारंभिक गणित एवं एनालिटिकल एबिलिटी के 20। AEGM के लिए भी 90 मिनट के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका भी सिलेबस सेम निर्धारित किया गया जैसे DEGM का है। वरिष्ठ प्रशिक्षक के लिए 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 160 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें कंप्यूटर संबंधित 30%, सामान्य जागरूकता संबंधित 15%, तर्क शक्ति से 15%, प्रारंभिक गणित से 15% और प्रशिक्षण अभिरुचि से 25% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रशिक्षक की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी 160 प्रश्न आएंगे 2 घंटे में, इनमें भी लगभग वेटेज उसी के समान रहेगा। लेखापाल में क्या होगा कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का ये पेपर होगा, इसमें लेखाकर्म एवं लेखांकन ज्ञान तथा ERP टैली ERP से संबंधित 60% प्रश्न आएंगे, सामान्य जागरूकता से संबंधित 15% प्रश्न आएंगे, प्रारंभिक गणित एवं एनालिटिकल एलिजिबिलिटी के 15% तथा कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान आएगा 10%। तो दोस्तों ये परीक्षा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में आयोजित की जाएगी। इसके बाद ई गवर्नेंस प्रबंधक के लिए लिखित परीक्षा में 60% प्राप्तांक अगर हैं तो आप जिला सोसाइटी के कार्य अनुभव के अंक सम्मिलित करने के पश्चात जो भी उम्मीदवारों को प्राप्तांक होंगे उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट सूची तैयार की जाएगी और वरिष्ठ प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण करने तो 50% अंक निर्धारित किया गया है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बता दिया गया है यहाँ पर कि जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी के कार्य अनुभव के अंक सम्मिलित करने के पश्चात वरिष्ठ प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षक हेतु पृथक पृथक साक्षात्कार हेतु प्रवीण सूची तैयार की जाएगी। 3 गुने लोगों को साक्षात्कार के लिए आवेदन किया जाएगा। इसके बाद ये साक्षात्कार की पूरी चयन प्रक्रिया दर्शाई गई है। तो सहायक ई गवर्नेंस में क्या बताया गया है कि 30% पदों का 36 प्रभागवार आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। ये पूरी चीज़ें आपके सामने हैं, क्या क्या योग्यताएँ क्या क्या निर्धारित की गई हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है किसके लिए कितने न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स होंगे। ये है सहायक ई गवर्नेंस के लिए, अनारक्षित के लिए 60%, OBC के लिए 55%, अनुसूचित जाति के लिए 50% और अनुसूचित जनजाति के लिए 50% होंगा। लेखापाल पद हेतु परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना होगा। ये थी समस्त जानकारी। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो देखिए हम आपको बता दें, ये नियुक्ति जो है 1 वर्ष के लिए की जाएगी सबसे पहली बात, और जो इसकी वैधता होगी चयन सूची की वो 2 वर्ष के लिए होगी। तो 1 वर्ष पश्चात जिला गवर्नेंस सोसाइटी नियुक्ति अवधि को शासन द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए बढ़ा सकेगी। महंगाई एवं अन्य ग्रह वाड़ा भत्ता नहीं दिया जाएगा, केवल जो अभी आपको मैंने बताया ₹25,000 DEGM को, AEGM को 15,000, ट्रेनर को वरिष्ठ ट्रेनर को 25,000 और ट्रेनर को 20,000 तथा अकाउंटेंट को 98,40 प्रतिमाह दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अवकाश की भी पात्रता होगी, 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। इस प्रकार समस्त नियम वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पोस्ट कितनी निकाली गई हैं, तो आइए हम देख लेते हैं कि पोस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो DEGM के लिए कुल 9 पद निकाले गए हैं, ये सभी 9 पद अनारक्षित के लिए होंगे और इन्हें ₹25,000 का वेतन दिया जाएगा। AEGM के लिए 117 पद निकाले गए हैं जिसमें से अनारक्षित के लिए 59, SC कैटेगरी के लिए 18, ST के लिए 24 और OBC के लिए 16 पद निर्धारित किए गए हैं। लीड ट्रेनर के लिए 10 पद निर्धारित किए गए हैं जो अनारक्षित ओपन कैटेगरी में आएंगे, और ट्रेनर के लिए 9 पद निर्धारित किए गए हैं जो अनारक्षित ओपन कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद लेखापाल के लिए 5 पद निर्धारित किए गए हैं जो भी ओपन कैटेगरी में आएंगे। तो कुल मिलाकर सभी पोस्टों में ओपन कैटेगरी में आएंगे, बस एक ही कैटेगरी एक ही पेपर ऐसा होगा AEGM का जिसमें SC ST OBC लोग फ़ायदा ले सकेंगे। तो दोस्तों ये था पूरी जानकारी, और भी चीज़ें हैं इसमें अभी जो विस्तृत जानकारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो आप इसका फॉर्म सबसे पहले भर दीजिए, फॉर्म भरने की तिथि है
1 सितंबर से 15 सितंबर तक। अगर आप फॉर्म भरने में कुछ गलती भी कर देते हैं तो आप उसे 20 सितंबर तक सुधार सकते हैं। 500 रुपये का फॉर्म है और SC ST के लिए, OBC के लिए 250 रुपये का फॉर्म है। तो ये परीक्षा 4 शहरों में आयोजित की जाएगी दोस्तों, तो इसका फॉर्म आप कल से भरना प्रारंभ कर सकते हैं। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो भी चीज़ें समझ में ना आ रही हो आप रूल बुक में देखिए, और अगर नहीं समझ में आ रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।